बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी को लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। खबरें ये है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शूटिंग खत्म करने के बाद इमरान हाशमी के ऊपर कुछ अनजान लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद अब वह घायल हो चुके हैं। इस खबर को सुनते ही इमरान के फैंस काफी परेशान हो गए हैं और इन सब खबरों के बीच इमरान हाशमी ने रिएक्ट कर इस बात का खुलासा करते हुए सच बताया है। दरअसल इमरान ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात का सच सबके सामने रखते हुए लिखा है कि कश्मीर के लोग बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, वे वेलकमिंग है। श्रीनगर और पहलगाम में शूटिंग करना शानदार रहा और पत्थरबाजी की घटना में मेरे घायल होने की खबरें गलत है। इमरान हाशमी के इस ट्वीट के बाद ये साबित हो गया है कि जो पत्थरबाजी की खबरें सामने आ रही थी वह दरअसल झूठ है। इमरान को कुछ नहीं हुआ है बल्कि वह एकदम ठीक है और जम्मू कश्मीर की वादियों में शूटिंग एंजॉय कर रहे हैं। जहां इमरान की स्ट्रीट को देखने के बाद उनके सभी फैंस ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली होगी, वहीं जानकारी के मुताबिक इमरान हाशमी पहलगाम में अपनी अपकमिंग मूवी ग्राउंड जीरो का शूट कर रहे थे। यह मूवी BSF के जवानों पर बेस्ड है। शूटिंग आराम से शांति के साथ हुई और शूट खत्म करने के बाद इमरान हाशमी मेकर्स के साथ पहलगाम के मेन मार्केट पहुंचे थे, जहां पर कुछ अनजान लोगों ने एक्टर और बाकियों पर पथराव किया। हालांकि अब इस मामले की पहलगाम पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है और पत्थरबाजी करने वालों पर धारा 147, 148, 370, 336 और 323 लगाई गई है। लेकिन खुशखबरी की बात तो ये है कि इमरान हाशमी को कोई चोट नहीं आई है बल्कि वह सेफ है। वहीं अगर हम एक्टर की वर्क फ्रंट की बात करें तो वह बहुत जल्द मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 और अक्षय कुमार के साथ मूवी सेल्फी में नजर आने वाले हैं। अब आपको इमरान हाशमी की कौन सी मूवी का सबसे ज्यादा वेट है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी एंटरटेनमेंट के सभी अप टू डेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।